नमस्कार, सिरासर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की। डूंगरपुर जिले की दोबड़ा थाना पुलिस ने टोना टोटके के नाम पर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के भावटा में घटिया सड़क निर्माण होने के कारण अब सड़क उखड़ने लगी। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में आरा मोड़ पर चावल के कट्टों से भरा ट्रेलर पलट गया। डूंगरपुर जिले के महुड़ी गांव में एक युवती पर पैंथर ने किया हमला। हमले के बाद से ग्रामीणों में दहशत। कांग्रेस CWC मेंबर रघुवीर मीणा सागवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर। बारा के खलदा गांव में ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन। बारा के जलवाड़ा में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना के 8 नए मरीज। बारा के सीसवाली में एक विवाहिता ने अपने घर में ही सुसाइड कर लिया। बारा में पुलिस ने 21 जनवरी को हुई फायरिंग के मामले में अजमेर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बारा के अटरू में लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना का आंकड़ा। अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ी। बेगूनगर में दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। राउतभाटा में बजरंग दल प्रखंड की ओर से सुभाष चंद्र बोस जयंती पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन। बेगू के परसोरे कस्बे में डीजे के कंपन से एक घर का छज्जा टूट गया। अजमेर विद्युत विभाग ने कच्चे मकान में रहने वाले लाला रेगर के नाम पर 82,000 रुपए का बिल भेजा। पर्यटन स्थल मेनाल में वन विभाग के इको पार्क पर आए दिन विभाग के उच्च अधिकारी मौज मस्ती करते नजर। चोर जिले के तारानगर में सांसद राहुल कस्वा ने जीव जंतु शरणागृह की आधारशिला रखी। चोरू नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद महसरिया के 67वें जन्मदिन पर पिंजरापुर गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया गया। चोरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांवों में स्वच्छता कार्यों का निरीक्षण किया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शहर के सभी वार्डों में चिकित्सा विभाग की टीम को रवाना किया। रायला थाना क्षेत्र के इरास ग्राम पंचायत के रामपुरिया में दूल्हा बारातियों को 11 बैलगाड़ियों में बिठाकर दुल्हन के घर पहुंचे। जोधपुर जिले के बिलाड़ा गांव में रात के समय खेत में काम करते हुए किसान की मौत हो गई। जोधपुर के बिलाड़ा में रविवार को दिखा वीकेंड कर्फ्यू का असर। जोधपुर के लोहड़ी में रविवार को लगा दूसरा वीकेंड लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रही बंद। जोधपुर के बाप क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के चलते औषधीय फसल के रूप में पहचान रखने वाली सोनामुखी की फसल बर्बाद। भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। जोधपुर के फलौदी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई। बावड़ी के अनवाना गांव में आंगनबाड़ी केंद्र से इन्वर्टर और पंखे चोरी। जोधपुर के शेरगढ़ में मामूली कांसुनी को लेकर दो युवकों में मारपीट। दोनों युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जोधपुर के शेरगढ़ में ग्राम पंचायत किशोर नगर में कार्यरत शिक्षक ने मुख्यमंत्री के नाम सरपंच रूपा देवी को ज्ञापन दिया। नागौर जिले में दूसरे वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला। नागौर जिले के इनाणा समेत आसपास के क्षेत्रों में मावठ की बारिश होने से किसानों को अच्छी पैदावार की। नागौर जिले के पादुकला थाना पुलिस ने राज्यकार में बाधा पहुंचाने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नागौर जिले के रामबड़ी में बाड़ी घाटी के पास पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। 2 युवक घायल। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में सर्वसमाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। नागौर जिले के पोल ड्राइवर स्टाफ ने अपने साथी गणपत के निधन पर मृतक के परिजन को 1,23,000 रुपए का सहयोग दिया। सभापति प्रतिनिधि और समाजसेवी बबलू शुक्ला के आग्रह पर शुक्ल खिड़किया के अंदर बने चबूतरों को आपसी सहमति के बाद हटाया गया। करौली वन विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए चेजा पत्थर से भरे हुए ट्रैक्टर को जब्त किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से हिंडौन के महू कस्बे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। हिंडौन सिटी के करसोली गांव में आयोजित की हो रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन की ओर से हिंडौन सिटी में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए निःशुल्क मास्क बांटे। प्रतापगढ़ जिले के राजपुरिया में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला। कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की। प्रतापगढ़ के दरियावत पहुंचे सांसद CP जोशी जहां उन्होंने पुलिस की मारपीट में घायल हुए सराफा व्यापारी से मुलाकात की। प्रतापगढ़ जिले के राजपुरिया में इन दिनों अफीम की खेती चल रही है।
दौसा के लालसोट से विधायक और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने रामगढ़ पचवारा में कर्ज के चलते हुई किसान की जमीन नीलामी के बाद मुलाकात। दौसा के बांदीकुई में मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 40 लोगों को निःशुल्क ई श्रमिक कार्ड बनवाए गए। दौसा के सिकराय में नालियों के अभाव के चलते सड़क पर बह रहा गंदा पानी। चाकसू में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में 13 टीमों ने हिस्सा लिया। रेनवाल के रेलवे फाटक पर गुमटी वाले बालाजी का पाटोत्सव, पुजारी राम अवतार भात्रा के सानिध्य में संपन्न। भापुर थाना इलाके के हाईवे स्थित टांडा पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। बगड़ कस्बे के मुख्य बाजार में एक विद्युत पोल पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त। कोरोना की रफ्तार कम हो इसके लिए सरकार ने रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाया, लेकिन आम जनता वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की नजर आई। सरवाड़ में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के उप शाखा अध्यक्ष गोविंद लाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों और यात्रियों को मास्क बांटे गए। रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में भी गश्त लगाया। सिंधु सेवा समिति ब्यावर की ओर से रविवार को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन। बाड़मेर जिले के चौहटन में देर रात एक स्विफ्ट कार और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर। रागेश्वरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। बीकानेर जिले के गजनेर में कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल का स्वागत। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में SDM दिव्या चौधरी का कीर्तिमान। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पर राज्य स्तर पर राज्यपाल करेंगे सम्मान। कोलायत के बस स्टैंड पर अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। नापासर में 10वीं की छात्रा कीर्ति ने बढ़ाई कस्बे की शोभा दी। वर्तमान जिला कलेक्टर अमित मेहता की पेंसिल स्केच बनाकर भेंट की। अलवर के रामगढ़ में थाना अंतर्गत दोहरी गांव शौच करने गए दलित व्यक्ति पर हुआ अपहरण। तिजारा कस्बे के होली चौक पर अज्ञात वाहन की टक्कर से डिवाइडर टूटा। अलवर के बहरोड उप जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के समय पर नहीं आने से मरीज हो रहे परेशान। अलवर जिले के श्री सेड़ में अस्थायी पुलिस चौकी हुई स्थापित। करतारपुर कस्बे के मुख्य रास्तों पर पानी भरने से आमजन परेशान। शाहजहांपुर के हनुमाना कला में 5वां बाबा बजरंगबली क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। नारायणपुर कस्बा समेत आसपास के गांवों में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजार पूर्ण बंद रहे। अलवर जिले के राजगढ़ में थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा ने CC रोड का वैदिक मंत्रों के साथ लोकार्पण किया। अलवर जिले के कठुमर थाना पुलिस ने ग्राम बराड़ा में शांति भंग के मामले में 3 लोगों को दबोचा। अलवर जिले के कठुमर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आमजनों ने जमकर उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। ठाकुर जी महाराज मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। खैरथल व्यापार महासंघ ने किशनगढ़ तहसील को NCR के दायरे से बाहर रखने के लिए विधायक दीपचंद खैरिया को ज्ञापन दिया। करतल के आनंद नगर कॉलोनी में अलग अलग सामाजिक संगठनों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई। मानसोर पुलिस ने DSP मृत्युंजय शर्मा के नेतृत्व में राकेश मीणा को अवैध पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अलवर जिले में प्याज में लगे जलेबी रोग से किसानों को करीब 50 करोड़ की फसल को नुकसान हुआ। सवाईमाधोपुर के बटोदा क्षेत्र में चोरों ने ट्रांसफॉर्मर से कीमती सामान और तेल चुरा लिया। सवाईमाधोपुर के मलाना डूंगर में सशक्त मंडल सशक्त बूथ अभियान चलाया जा रहा है। सवाईमाधोपुर के खंडार में पुलिस चेक पोस्ट लगाकर मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट चेक की गई। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार में सड़क धंसने से बाइक सवार गहरे गड्ढे में गिरा। सवाईमाधोपुर के खंडार में मुख्य रास्ते पर जमा कीचड़ वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, विजय शर्मा की माता के निधन पर जताया शोक। जयपुर के सामोद में वीकेंड कर्फ्यू की पालना नहीं करने वाले के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। सामोद में जलदाय विभाग की लापरवाही देखने को मिली, पाइपलाइन में लीकेज होने से व्यर्थ बह रहा पानी। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने चरस की तस्करी करने के आरोप में शबीर अहमद को अमृतसर से दबोचा। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने बिजली ट्रांसफार्मर और नोजल चोरी के मामले को लेकर सर्च अभियान चलाया।
झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना पुलिस ने बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के सांढस गांव में एक बाइक अनियंत्रित होकर कच्चे मकान में जा घुसी। झालावाड़ जिले के पुलिस ने सट्टा खेलते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। झालावाड़ जिले के बकानी ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोली में कला किट वितरण समारोह का आयोजन। चलिए यहां रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटें।